हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुलाबा हॉल वीडियो, आई मीन कुलाबा हॉल। बट मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि बैक प्रिंटेड है, ओवरसाइज्ड है, क्योंकि आजकल ओवरसाइज्ड टी शर्ट का और बैक प्रिंटेड टी शर्ट्स का ना ट्रेंड चल रहा है और आई एम ऑब्सेस्ड विद देम। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और मैं आजकल आपको वही मतलब ओवरसाइज्ड बैक प्रिंटेड टी शर्ट्स में दिखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ऐसे कूल वाइब आती है उनसे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है कुलाबा कॉजवे से, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारी सस्ती सस्ती चीज़ें ली है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी हॉल बनाऊंगी। बट इस बार मैंने सिर्फ ये बनाने का सोचा, क्योंकि आजकल ना मुझे छोटे वीडियोस बनाना ही पसंद है, क्योंकि उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे बाद में देख के बहुत क्रिंज होता है कि यार क्या कर रही हूँ वीडियो में। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं डालूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुलाबा कॉजवे में कभी कभी मुझे कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो ये है मेरा फर्स्ट टी शर्ट जो कि बैक प्रिंटेड है, और ये सेम टी शर्ट ना H&M में मैंने विशलिस्ट में डाल के रखा था, ब्लैक कलर का था। तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वो कुछ 700, 699 या 799 ऐसे का कुछ था, और ये मुझे मिला है 300 में। सेम है, एग्जैक्ट डिटो सेम, बट मुझे इसका हल्का सा फिटिंग बराबर नहीं लगा, और ये जो लोगो था ये मुझे थोड़ा चेस्ट पे चाहिए था, बट ये थोड़ा नीचे है। बट एनीवेज, हम लोग आजकल टॉप थोड़ा एडजस्ट करते रहते हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर मेरे 300-400 रुपए अगर बच रहे हैं तो फिर मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो द सेकेंड टी शर्ट इज अगेन बैक प्रिंटेड, ये, और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा थिक है, और ये देखिए, और उसका प्रिंट कंपेयर करेंगे ना तो इसका थोड़ा सा डार्क है, और बस पता नहीं मुझे ये टी शर्ट का वाइब अच्छा लगा, और इसकी फिटिंग उससे कंपेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छी है ओवरऑल। ये भी, ये देखो, इसमें भी H&M का है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ चिपकाया हुआ है, ये है, ये H&M का है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये H&M के होते हैं, बट H&M या कोई भी बड़ी ब्रांड शायद थोड़ा सा उलट पुलट क्या के बच्चे तो ये थोड़ी बहुत इतना चिल्ला रहा है यार ये। ये है थर्ड टी शर्ट, और मुझे ना ऐसी टी शर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो मतलब फ्रंट साइड में ना थोड़ा सा प्रिंट हो बट बैक इसका। और ये है रिक एंड मॉर्टी का टी शर्ट जो कि सब पे मतलब बहुत फेमस हो गया ये, और ये बहुत महंगे मिलते हैं, और ये भी मुझे मिला है 300 में, और बैक प्रिंट के हिसाब से 300 बहुत ज़्यादा कम लगा मुझे तो। वैसे भी कम ही है, क्योंकि 1500 में तो H&M में नॉर्मली मिलता है, क्योंकि मैंने एक जो खरीदा था वो 1500 का था, और दूसरा मेरे पास स्वेटशर्ट है वो है 2399 का, बट मुझे डिस्काउंट में कम मिला है। तो ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये उन दोनों से भी इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक ये वो वाइब देता है कि हाँ ये ओवरसाइज टी शर्ट है, इसको बोलते हैं ना बहुत, दिस वन इज माई फेवरेट, इसके प्रिंट के वजह से भी और ओवरऑल भी ये वाला उन दोनों से बहुत अच्छा है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि और आप मेरे वीडियोस देख सकें और मैं और कुलाबा कॉजवे के हॉल वीडियोस डालूंगी।